परीक्षा सीरीज के आपने इस क्लास में हम लोग मूलाधिकार पर आज चर्चा करेंगे। परीक्षा सीरीज हमारे क्लास के अंतर्गत वह आप पार्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग सीधे परीक्षा में आने वाले सवालों का जिक्र करते हैं। परीक्षा में आने वाले सीधे सवालों का जिक्र करते हुए दाएं बाएं कोई और बात नहीं की जाएगी, केवल उन्हीं सवालों पर सीधा प्रहार हम लोग करते हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं। इस क्रम में आज हम लोग बात उन सवालों पर करने चल रहे हैं जिसका संबंध मूल अधिकार से है। मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से मूलाधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में मूलाधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के मध्य किया गया। और मूल अधिकार व्यक्ति को किसने दिया है, क्या लगाना है कि यह मूल अधिकार संविधान प्रदत्त है। भारत के संदर्भ में मूल अधिकार को किस देश से ग्रहण किया गया, आपको यह सवाल आए कि भारतीय संविधान में हमने मूलाधिकारों को कहाँ से ग्रहण किया है, अमेरिका से। परंतु अमेरिका के मूल संविधान में मूलाधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया था, बल्कि 1 से लेकर 10 संवैधानिक संशोधनों के द्वारा मूलाधिकारों को वहां पर अंतर्विष्ट किया गया। 1791 ईस्वी में अमेरिका में मूल अधिकार को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, जबकि ब्रिटेन में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का विकास ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में जॉन द्वितीय के द्वारा किया गया था, जबकि उनके द्वारा वहां के नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रदान किया गया। महारानी के घोषणा पत्र 1858 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा का सामान्य अर्थ अधिकार पत्र होता है। तो आपने हमारी परीक्षा सीरीज में इस बात को पढ़ा कि अमेरिका से ग्रहण किया, लेकिन अमेरिका में यह मूल संविधान का पार्ट नहीं था, बल्कि वह संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारत में मूल अधिकार संविधान का पार्ट था। मूलाधिकार किसको प्रदान किया गया है, यह मूलाधिकार व्यक्ति को प्रदान किया गया। टेक्निकल बात है कि व्यक्ति के अंतर्गत कौन लोग आते हैं, ना इसमें नागरिक भी आता है और इसमें विदेशी भी आता है। अर्थात आपको अगर सवाल आ गया कि मूल अधिकार किसको दिया गया, केवल नागरिक को, विदेशी को, नागरिक और विदेशी दोनों को, तो क्या लगाना है, नागरिक और विदेशी दोनों को। परंतु कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि केवल नागरिक को दिए गए, इसलिए नागरिक को प्रदान किए गए मूल अधिकार कौन से हैं, आपको अगर आएगा तो आपको बताना है कि आर्टिकल 15 का दूसरा खंड, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल और केवल नागरिक को दिए गए हैं। शेष सारे फंडामेंटल राइट्स जिनका उल्लेख भाग 3 में 12 से 35 के मध्य है, वह नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्रदान किया गया। राइट टू लाइफ का, राइट टू इक्वलिटी का, ना अनडिसेबिलिटी का या उपाधियों के अंत का, सारा अधिकार नागरिक के साथ साथ विदेशी को भी दिया गया। 15(2) के अंतर्गत प्रावधान है, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ राज्य के द्वारा भेदभाव न किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लिखा है, लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 29 और 30 भारतीय नागरिक के अंतर्गत अल्पसंख्यक का विशेषाधिकार कहलाता है। इस प्रकार से यह ऐसा
फंडामेंटल राइट्स है जो कि केवल और केवल नागरिक को दिया गया। आपको इसको याद कर लेना है, यह परीक्षा सीरीज का हमारा महत्वपूर्ण सवाल था। आप देखिए फंडामेंटल राइट्स के ही अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स का यह अधिकार ना राज्य के विरुद्ध है और राज्य के विरुद्ध होने के साथ साथ यह व्यक्ति के भी विरुद्ध है ना। आपको आएगा कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली अगेंस्ट टू स्टेट आर इंडिविजुअल, तो आपको क्या लगाना है कि यह स्टेट के भी अगेंस्ट में है और इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट में है, परंतु ज़्यादातर अधिकार कैसा है, यह राज्य के विरुद्ध है। कम मूल अधिकार ऐसा है जो कि व्यक्ति के विरुद्ध है ना, जो राज्य के विरुद्ध है ऐसे मूलाधिकार की प्रकृति ना, जो राज्य के विरुद्ध है ऐसे मूलाधिकार की प्रकृति को नकारात्मक कहते हैं। क्यों नकारात्मक? क्योंकि वह मूलाधिकार के ऊपर प्रतिबंध लगाता है और जो व्यक्ति के विरुद्ध होता है उसको हम सकारात्मक प्रकृति का मूल अधिकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह आम व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। आम व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगा करके इसके द्वारा एक सकारात्मक रचनात्मक समाज के सकारात्मक रचनात्मक समाज के निर्माण पर बल दिया जाता है, तो इसलिए इसको सकारात्मक प्रकृति का मूल अधिकार कहा जाता है। सकारात्मक प्रकृति का मूल अधिकार नए समाज के सृजन पर बल देता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि मूल अधिकार न केवल राज्य के विरुद्ध हो, अर्थात राज्य के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण न किया जाए जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, बल्कि व्यक्ति के द्वारा भी ऐसा कोई कार्य न किया जाए जो कि किसी अन्य व्यक्ति के मूलाधिकार का उल्लंघन करता है। इसलिए इसमें आपको एक सवाल आता है कि सकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला आता है अनुच्छेद 15 का दूसरा खंड, ये सकारात्मक भी है और केवल नागरिक को मिला। और दूसरा आता है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 23 यह शोषण के विरुद्ध और मानव के क्रय विक्रय का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 या 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित होने पर प्रतिबंध लगाता है, कारखानों में, खानों में या ऐसे ही अन्य परिसंकटमय स्थलों पर नियोजित उनको नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 25 के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देते हुए यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने उसके अनुसार अबाध रूप से आचरण करने की स्वतंत्रता रखता है। यह जबरन किसी का धर्मांतरण कराया जाता है तो यह राज्य के विरुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति के भी विरुद्ध लागू होता है। न तो व्यक्ति कोई ऐसा काम कर सकता है और न ही राज्य के द्वारा किसी ऐसे कानून का निर्माण ही किया जा सकता है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाता हो। इसलिए आर्टिकल 25 के द्वारा, आर्टिकल 24 के द्वारा, आर्टिकल 23, 17 और 15(2) के द्वारा सकारात्मक प्रकृति के मूलाधिकारों का सृजन किया गया है। चलिए अब हमारे परीक्षा सीरीज के मूलाधिकार के पार्ट के अंतर्गत अगला सवाल आता है कि क्या मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं है। मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद को है या राज्य के विधानमंडल को प्राप्त है? संसद को दिया गया और संसद के द्वारा मूल अधिकार में यह संशोधन किस प्रक्रिया से होता है, क्या बताएंगे? विशिष्ट बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा मूलाधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया। अब देखिए अगला आता है
कि आखिर क्या मूल अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है या नहीं निलंबित किया जा सकता। मूलाधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन निलंबित करने का अधिकार किसको प्राप्त होगा? आपको यह सवाल सीधा आता है, क्या लगाएंगे? यह सवाल आया आपको, आप क्या बताएंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के द्वारा मूल अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है केवल और केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है किस आर्टिकल में आपको आया? क्या लगाएंगे? अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया और कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू है तो वह उस स्थिति में अनुच्छेद 358 का प्रयोग करके राष्ट्रपति के द्वारा मूलाधिकारों को निलंबित कर सकता है। परंतु राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपको एक सवाल आएगा कि कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं होता है। आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। यह प्रोविज़न कब किया गया? आपको यह सवाल आएगा 44वें संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया था कि आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर भी। और दूसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर ना कौन सा आर्टिकल है जो कि स्वतः निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताएं अपने आप ही निलंबित हो जाती हैं। इसको अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताएं कहते हैं। इनको निलंबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा ऑटोमेटिकली यह अपने आप निलंबित हो जाता है। इसके अलावा है कि मूल अधिकार के रक्षा करने का अधिकार संविधान के द्वारा किसको दिया गया है? इसीलिए मूल अधिकार का प्रहरी कहा जाता है किसको? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। भारत में उच्चतम और उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया न्यायपालिका के द्वारा मूलाधिकारों के व्यक्ति के मूलाधिकारों की रक्षा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिच को निकाला जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। इसके माध्यम से उच्चतम और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट्स को जारी करके व्यक्ति के मूलाधिकारों की रक्षा करते हैं। अगला सवाल है, इस पर मूल अधिकार के वर्तमान में कितने प्रकार हैं? वर्तमान में 6 प्रकार हैं, लेकिन मूल संविधान में मूलाधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूलाधिकारों से निकाल करके अनुच्छेद 301 के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। इसलिए मूलाधिकारों की संख्या 44वें संविधान संशोधन को करने के कारण 1978 में यह संख्या 7 से घट करके अब 6 हो गई है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। आपको आएगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किस मूलाधिकार को संविधान के आत्मा या हृदय के नाम से संबोधित किया गया? संवैधानिक उपचार। और अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहा था कि यह संविधान के मूल आत्मा या हृदय है। तो चलिए, परीक्षा सीरीज के अंतर्गत आज हमारा वह सवाल मूलाधिकारों पर था जो आपके परीक्षा में 90% पूछा जाता है। हमने आज उसकी चर्चा किया। आप इस सवाल को पढ़ें, गुने और उसको अपने हृदय में सजोए रखें। एग्जामिनेशन हॉल में
इसका सही से आप प्रयोग करें ना, यह एकदम सटीक बात थी जिसकी चर्चा हमने आज आपको किया। आपने परीक्षा सीरीज के कार्यक्रम के अंतर्गत पुनः आपसे मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।